बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सिंपल चॉकलेट केक, जिसके लिए दो अंडे, चार चम्मच मैदा और तीन चम्मच कोको पाउडर और सात चम्मच जो कुकिंग ऑयल के, सात चम्मच चीनी के और सात चम्मच ही दूध के और एक टीस्पून जो बेकिंग पाउडर का। मिक्स हो गई है, ऑयल वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया अंडे में। अब ये बेकिंग पाउडर डाल दें, कोको पाउडर चला जाएगा, ये मिक्स हो गया सब कुछ। और ये मैदा ओवन को प्री हीट कर लें 15 से 20 मिनट के लिए। ये सारा कुछ इसमें इसको थोड़ा टैप कर लें ताकि बबल्स निकल जाए, फिर इसको बेकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको 35 मिनट ओवन में रखा था, ये देखिए हो गया बेक। अब इसको इधर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उतनी देर इसकी फ्रोस्टिंग तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले चॉकलेट केक पे डालने के लिए सिरप तैयार कर लेंगे। ये आधा कप दूध, दो चम्मच चीनी के, इसको मिक्स करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। एक कप दूध, दो चम्मच कोको पाउडर, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच बटर, एक कप क्रीम और ये आपके पास चॉकलेट है तो वो डाल लें, कोई भी मिल्क चॉकलेट हो, अगर चॉकलेट सिरप है तो वो डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले ये सब कुछ मिक्स कर लें फिर इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सिरप तैयार किया था दूध और चीनी का, अब ये केक ठंडा हो गया इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारी ड्राई चीज़ें मिक्स करके, दूध मिक्स करके, अब इसको चढ़ा दिए मिक्स करके, फिर इसको चूल्हे पे चढ़ाना। अब ये ज़रा बस इसको हिलाते जाइए, नीचे ना लगे। ये सारी ड्राई चीज़ें मिक्स करके, दूध मिक्स करके, अब इसको चढ़ा दिए मिक्स करके, फिर इसको चूल्हे पर चढ़ाना। अब ये ज़रा बस इसको हिलाते जाइए, नीचे ना लगे। टोस्टिंग होगी तैयार, इसको केक के ऊपर डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केक हो गया तैयार। ट्राई करें और पेज को लाइक करें, दुआ में याद रखें।